अरे बाबा ये क्या है, सुबह सुबह इतनी भागम भाग। जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ये मुंबई है भिड़ू, यहाँ तो टाइम ही पैसा है। चलो हम भी चलते हैं सपनों की नगरी के सफर पर, लेकिन अपने स्टाइल में। भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर बसी मुंबई ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी है बल्कि देश की आर्थिक राजधानी भी है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में मुंबई का योगदान सबसे बड़ा है और यहाँ की जीडीपी तो कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा है, इसलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और प्यार से सपनों का शहर भी कहा जाता है। नंबर्स की बात करें तो मुंबई लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है जिसकी आबादी 2.5 करोड़ के करीब है, यानी 2.5 करोड़ सपने, 2.5 करोड़ कहानियां एक ही शहर में, इसलिए शायद ये शहर कभी सोता नहीं। मुंबई भारत के विकास का इंजन है। समंदर के किनारे बसी माया नगरी में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की तो बात ही अलग है, जहां बॉलीवुड, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और बड़े बड़े बिजनेस का सेंटर है। यहां देश के कई बिलियनियर और इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं। अब थोड़ा सा मुंबई का इतिहास भी जान लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मुंबई 7 द्वीपों से मिलकर बना है जिसका नाम यहाँ की देवी मुंबा देवी के नाम से आया है। अगर बात करें इस बदलते शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पहले सिर्फ यहाँ की लोकल ट्रेन अपने कंधों पर पूरे शहर का बोझ उठाया करती थी, लेकिन आज यहाँ मेट्रो तेजी से दौड़ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है, साथ ही बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और कोस्टल रोड जैसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट और BMC ट्रैफिक कम करने में दिन रात लगे रहते हैं। वही घूमने के शौकीन लोगों के लिए तो मुंबई किसी जन्नत से कम नहीं है, चाहे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात हो या समंदर के किनारे मरीन ड्राइव की सैर हो, गेटवे ऑफ इंडिया के साथ ताज होटल की दोस्ती हो, पानी के बीचों बीच एलिफेंटा केव्स हो, जुहू किरगांव चौपाटी या वर्सोवा बीच हो, सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन हो, हाजी अली पे माथा टेकना हो, चर्च में प्रार्थना करनी हो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। शॉपिंग के शौकीनों के लिए तो मुंबई सोने की खान है। लिंकिंग रोड की चकाचौंध हो या फैशन स्ट्रीट के सस्ते सौदे, कोफर्ड मार्केट का पुराना जलवा हो या कोलाबा कॉजवे की रौनक, यहाँ जेब के हिसाब से सब मिलता है। और भाई एंटरटेनमेंट तो पूछो ही मत, यहाँ लग्जरी मॉल, थीम पार्क, मूवी थिएटर्स, सी साइड कैफे, SL वर्ल्ड, नाइट क्लब्स और मौज मस्ती के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। और अगर घूमते घूमते भूख लगी है तो मुंबई का बड़ा पाव तो दुनिया भर में मशहूर है, साथ ही पानी पूरी, बन मस्का, पाव भाजी और भेल के बिना मुंबई का मजा अधूरा है। यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड के अलावा ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड भी काफी मजेदार है। एक्शन के अलावा पढ़ाई लिखाई का भी मुंबई में बड़ा जोर है। IIT बॉम्बे हो या टाटा इंस्टीट्यूट, यहाँ नामी गिनामी कॉलेज की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। देखो मुंबई है तो थोड़ी सी क्रेजी, थोड़ी भीड़ भाड़ वाली, लेकिन यही इस शहर की जान है। यहाँ का जोश, यहाँ की रफ्तार एक अलग ही ऊर्जा रखती है, क्योंकि इस शहर में देश के कोने कोने से नए नए लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, इसलिए सपनों के शहर में हिंदी, मराठी, थोड़ी गुजराती, थोड़ी इंग्लिश भाषा भी अपना रंग दिखाती है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने की वजह से यहाँ हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर गणपति विसर्जन के समय कभी ना रुकने वाला ये शहर भी थम जाता है। मुंबई की स्पिरिट अमीर हो या गरीब सबको साथ लेकर चलती है। भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेनें हो या चमचमाती AC कार, ये शहर हर किसी को अपना बना लेता है, इसलिए तो मुंबई सपनों का शहर है। मौसम चाहे कोई भी हो, भीषण गर्मी, झमझम बारिश या फिर सुहावनी सर्दी, मुंबई करों का उत्साह कभी कम नहीं होता। तो कैसा लगा मुंबई का ये सफर? अगर आप अब तक मुंबई नहीं आए हो तो एक बार आना तो बनता है। आओ और खुद देखो इस शहर की रफ्तार, इस शहर की जान। इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी और शहर के किस्से लेकर, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।